हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ चुका हूँ फिर से एक और धमाकेदार वीडियो। आज की वाली वीडियो बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी पबजी मोबाइल गेम खेलते हो तो पबजी मोबाइल की पिंग की प्रॉब्लम को लेकर उसको फिक्स कैसे कर सकते हो और कभी भी लैग भी नहीं होगा। जो काफ़ी सारे लोग गेम खेलते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, जो उनके मोबाइल में पिंग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। पिंग ज़्यादा आने से हम गेम खेल ही नहीं पाते हैं, पिंग ज़्यादा आने से हम गन उठा ही नहीं पाते हैं। हम किसी एनिमी को गोली तो मारते हैं, हमें लगता है कि उसे बहुत सारी गोली मार दी और लास्ट में रिजल्ट आता है कि हम खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि अपने गेम में यूज करोगे और अगर अपने मोबाइल में अप्लाई करोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे कि इसी तरीके की आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो गाइस सबसे पहली ट्रिक है वो हमारे मोबाइल ऐप को लेकर है कि हमारे मोबाइल में जो ऐप होते हैं वो बहुत सारे ऐप होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कौन सा यूज का है और कौन सा नहीं। हम एक बार इंस्टॉल तो कर लेते हैं, इंस्टॉल होने के बाद में हमारे मोबाइल में वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो बैकग्राउंड में हमारा नेट को यूज करते रहते हैं। तो हमें ये पता नहीं होता कि कौन कौन सा ऐप हमारा कितना नेट खा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे पबजी में प्रॉब्लम आती है। और गाइज, दूसरे नंबर की जो टिप है वो ये है कि हमारा जो स्टोरेज है वो हमें ये पता नहीं होता, जैसे हमारा 32 GB या 64 GB होता है और 64 GB भी हमारा फुल होता है। और फुल होने से जो हमारा गेम अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद में जितना भी हमारा डाटा होता है वो उसमें सेव नहीं हो पाता और वो गेम लेग और पिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। तो और गाइज, तीसरे नंबर की जो टिप्स है वो भी बहुत ही कमाल की होने वाली है, वो है पबजी रिपेयर को लेकर। तो गाइज, इसके लिए हमें सेटिंग में जाना है और लॉग आउट कर देना। लॉग आउट करने के बाद में हमें एक यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा रिपेयर का। तो गाइज, इसे हम बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के बाद में क्या होता है, हमारा जितना भी फालतू डाटा होता है, जैसे कि हम अपडेट करते हैं, बार बार अपडेट आते हैं, और जो पिछले वाला जो अपडेट होता है उसका जो डाटा है वो वायरस बन के हमारे फ़ोन में रह जाता है और हम उसे डिलीट भी नहीं कर पाते। तो गाइज, अगर हम इसे रिपेयर कर देते हैं तो हमारा जितना भी डाटा होता है वो क्लियर हो जाता है, पहला वाला भी, बस हमें थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है, बहुत ही अच्छा हमारा गेम चलने लगता है। और चौथे नंबर की जो ट्रिक है गाइज, वो भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो उसके लिए हमें एक प्ले स्टोर से हमें नेट ब्लॉकर का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली तरीके से हमें अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ से सर्च बार में नेट ब्लॉकर डालना है। जैसे हम यहाँ से नेट ब्लॉकर डालेंगे तो गाइज, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। नेट ब्लॉकर के नाम से एप्लीकेशन है और इसे हम बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद में बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इसे जैसे ही हम ओपन करेंगे तो गाइज, ओपन करने के बाद में हमारा इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और गाइज, ये जो हमारे जितने भी एप्लीकेशन है ये सारे के सारे इसमें शो होने लग जाएंगे, और जोन जोन से हमारे एप्लीकेशन हमें लगता है कि हम पबजी खेलते हैं, और व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन है, जैसे फेसबुक की नोटिफिकेशन, वो बार बार हमें ऊपर से आ जाती है और वो हमारे गेम को लैग करने लग जाती है, और साथ ही साथ में हमारी पिंग की भी प्रॉब्लम आती है। तो गाइज, जितने भी हमारे एप्लीकेशन जो हमारे नेट के हमें लगते हैं उन पर आसानी से हमें टिक करना है। टिक करने के बाद में हमें यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में बहुत ही आसानी से हम अपने गेम को यूज कर सकते हैं, और सारा जितने भी हमारे एप्लीकेशन है उनका जो बैकग्राउंड में इंटरनेट चलता है वो बहुत ही आसानी से ऑफ हो जाएगा। तो गाइज, ये जो चार नंबर की जो टिप्स है बहुत ही कमाल की है, इसे यूज करके देखो, 100% कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे कि इसी तरीके के